बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय रूस दौरे के लिए रवाना होंगे और सुबह 7 बजे ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रूस के कजान शहर में होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन और पीएम नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, शामिल होते नजर आएंगे। संगठन के विस्तार के बाद पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। कई विदेशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी आज 7 बजे रूस के लिए रवाना होंगे और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसमें आपको ये भी बताते चले कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी रूस जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुए हैं और इसमें ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे पीएम नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना होंगे और पिछले साल हुए विस्तार के बाद ये समूह का पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन आज यानी कि मंगलवार से शुरू होगा। विचार विमर्श का मुख्य दिन बुधवार होगा और पीएम नरेंद्र मोदी के रूस रवाना होने से पहले भारत ने कहा कि भारत ब्रिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने कई समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट के लिए रूस जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे और आज 7 बजे रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भारत रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी का रूस दौरा कब रहा, अब आपको वो भी बताते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर, इस साल पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा है। 23-24 अक्टूबर की 2 दिवसीय रूस यात्रा किए थे पीएम नरेंद्र, होने वाली है ये पीएम नरेंद्र मोदी की 23 और 24 अक्टूबर को, और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल और सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे। 24 देशों के नेता इसमें भाग लेंगे, 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल की भी भागीदारी होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ब्रिक्स कितना ताकतवर है वो भी आप समझिए। ब्रिक्स देशों की आबादी 3.5 बिलियन और क्यों हो सकता है ब्रिक्स बैठक में विस्तार, बेल्ट ऑफ फ्रेंड्स के जरिए कई देश जुड़ सकते हैं और ब्रिक्स बैठक में क्या क्या होने वाला है आपको वो बता रहे हैं। एनडीबी यानी कि ये तमाम जो सीआरए, इस आपातकालीन फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार की जिक्र और बेल्ट ऑफ फ्रेंड्स के जरिए कई देश इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी देखिए आज ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होते नजर आएंगे। 32 देशों के प्रतिनिधि मंडल की भी भागीदारी इसमें होने वाली है और कितना ताकतवर है कि आप वो भी समझिए। ब्रिक्स देशों की आबादी 3.5 बिलियन, विश्व की 45% आबादी ब्रिक्स का हिस्सा और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन है, विश्व की 28%। और ईरान, सऊदी अरब, यूएई के शामिल होने से बढ़ा तेल उत्पादन, दुनिया के तेल उत्पादन में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 44% है। तो इस ब्रिक्स बैठक में क्या हो सकता है आपको वो भी बता रहे हैं। देखिए, विस्तार, बेल्ट ऑफ फ्रेंड्स के जरिए कई देशों से जुड़ सकते हैं और ये कितना ताकतवर है आपको वो भी हम लगातार बता रहे हैं क्योंकि देखिए विश्व के 45% आबादी ब्रिक्स का हिस्सा है और ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन है। और ईरान, सऊदी अरब, यूएई के शामिल होने से तेल उत्पादन बढ़ा और दुनिया के तेल उत्पादन में बिक्री देशों का हम यहाँ जिक्र करें तो कई प्रतिशत है और ब्रिक्स देशों की आबादी 3.5 बिलियन है। तो रूस में ब्रिक्स सम्मेलन और पीएम नरेंद्र मोदी आज इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे।